विधानसभा की बात करते हैं, जनपद जौनपुर में पिछले 6 महीने में लमसम 6000 ट्रांसफॉर्मर्स है जिनको की बदला गया, और उनमें से कई सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मर थे जिन्हें आज लगाया गया और वो कल खराब हो गए। डॉक्टर अग्नि, नहीं डॉक्टर अग्नि बैठिए, उड़का हो गया, बैठे नहीं बैठिए प्लीज बताइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती कि आपने ऊर्जा विभाग से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसपे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष जी, आज भी उत्तर प्रदेश की 60% से अधिक आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है, और ऊर्जा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसने गरीब अंचल की महिलाएं हो, मजदूर हो, किसान हो, वृद्धा हो, विधवा हो, सभी की कमर तोड़ने का काम किया। अध्यक्ष जी, बिजली की परेशानी और ट्रांसफॉर्मर खराब होने की परेशानी इस हद तक रही कि चाहे वो अस्पताल में हमारे बीमार लोग हो, चाहे वो महिला प्रसव के दौरान हो, चाहे नवजात छोटे बच्चे हो, चाहे हमारे स्कूल जा रहे बच्चे हो, हर जगह हर लोगों ने परेशानी को सहा है और आज भी सह रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ऊर्जा विभाग से यह था कि जो भी ट्रांसफॉर्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? और अध्यक्ष जी, उसका जवाब आया है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पे 8 घंटे और जो ग्रामीण अंचल है वहां पे 48 घंटे। अध्यक्ष जी, बड़ी निराशा के साथ ये कहना चाहूंगी कि ये जो जवाब आया है वो शायद सिर्फ विपक्ष या जनता के लिए है, शायद विभाग ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस जवाब से अवगत नहीं है, क्योंकि अगर वो इस जवाब से अवगत होते तो ये ट्रांसफॉर्मर एक एक महीने तक 1912 पे कंप्लेन करने के बाद भी इन पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो कंप्लेन के नंबर चलते हैं उन नंबरों पे कंप्लेन करने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उस पे एक रिप्लाई मैसेज आ जाता है कि ये ट्रांसफॉर्मर बन चुका है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पे उसको देखते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मर उसी तरीके से खराब पड़े रहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि प्रदेश में कुल 80% ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनकी की क्षमता वृद्धि की जरूरत है, आवश्यकता है, और मेरे जवाब में मंत्री जी ने कहा कि विगत 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में 7000 ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। अगर सरकार इस तरीके से इस स्पीड से काम करेगी तो पूरे प्रदेश के 80% जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनकी क्षमता बढ़ानी है वो सरकार कब तक बढ़ा पाएगी? ये मेरा पहला प्रश्न है कि इसका समय सीमा निर्धारित करें कि इसको कब तक आप क्षमता वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग कार्यवाही करने में आज सबसे आगे पहुंच चुकी है। एक गरीब मजदूर दिव्यांगजन, एक वृद्धा विधवा, अगर उनकी 500 रुपए भी अगर बिल उनका पे नहीं होता है तो उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। मेरा प्रश्न था अध्यक्ष जी कि अगर समय सीमा के अंतर्गत इन ट्रांसफॉर्मर्स को अगर ठीक नहीं किया जाता है तो क्या सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा इन चिन्हित अधिकारियों पे कोई कार्यवाही की जाती है, और अगर की जाती है तो अब तक ऐसे कितने लोग हैं जिन पे सरकार के द्वारा कार्यवाही की गई? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, उसमें उन्होंने कुछ फिगर पढ़े लेकिन कुछ फिगर नहीं पढ़े। उसी पेज पर, उसी टेबल पे कुछ और भी फिगर हमने दिया हुआ है, और वो ये है कि अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक में 1,89,803 ट्रांसफार्मर बदले गए। ये भी फिगर उसी टेबल में, उसी पेपर से, जहां आवश्यकता पड़ती है माननीय अध्यक्ष जी वहां ट्रांसफार्मर को उच्चीकृत भी किया जाता है, और ऐसे 7400 जो आपने पढ़ा वो ट्रांसफार्मर है, और उसके साथ बिल्कुल नए ट्रांसफार्मर लगाने का भी हमने काम किया है, ऐसे 1130 ट्रांसफार्मर है। माननीय सदस्य के जिले की अगर मैं बात करूं तो जौनपुर में माननीय अध्यक्ष जी
क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की संख्या 1/4/23 से 31/30 का मैं बोल रहा हूँ, अप्रैल से अक्टूबर तक का 5,759 ऐसे ट्रांसफार्मर बदले गए हैं माननीय अध्यक्ष जौनपुर जिले में। और खाली मछली शहर आपके विधानसभा की मैं बात अगर करूं तो 1,071 ऐसे ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। और साथ में मैं खंभों की अगर बात करूं तो जौनपुर में माननीय अध्यक्ष जी क्षतिग्रस्त, बाकी तो नई योजनाओं में नए खंभे लगाने का भी कार्य चल रहा है, लेकिन जो आप बांस बल्ली की भी बात आई थी खंभे है, ऐसे जौनपुर की मैं बात कर रहा हूं 1,170 ऐसे क्षतिग्रस्त जो आज कमजोर पाए गए खंभों को बदला गया है। और मछली शहर भी सुन लीजिए, ऐसे 223 ऐसे खंभे बदले गए हैं। मैं आपके माननीय सदस्य के साथ सभी माननीय सदस्यों से एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने पत्र भी लिखा है, आप सबको विनम्रता के साथ कि इस समय हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है। RDSS में 17,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, बिजनेस प्लान में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, नगर निकायों के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। आप अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रख करके जर्जर तार, जर्जर खंभे, ट्रांसफार्मर अधिभारित बदलवा लीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आदरणीय मंत्री जी से एक और बात पूछना चाहूंगी, आपने सही कहा और मैं इसको अपने अनुपूरक में आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि लमसम 6 महीने में 2 लाख ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो क्षतिग्रस्त हुए और आपको उन्हें बदलना पड़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, क्षतिग्रस्त होने का कारण मंत्री जी को मुझे लगता है पता होगा, या तो उनकी गुणवत्ता में कोई कमी है, या तो वो ट्रांसफार्मर जो है वो भार से ज्यादा कैपेसिटी को ले रहे हैं और इसी वजह से वो खराब हो रहे हैं। और अगर आप मेरी विधानसभा की बात करते हैं, जनपद जौनपुर में पिछले 6 महीने में लमसम 6,000 ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको कि बदला गया, और उनमें से कई सारे ऐसे ट्रांसफार्मर थे जिन्हें आज लगाया गया और वो कल खराब हो गए, फिर लगाया गया और अगले दिन खराब हो गए। तो ये उनकी गुणवत्ता को दिखाता है कि आप किस प्रकार के ट्रांसफार्मर्स। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो क्या आपके पास उसका डेटा है कि बार 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 एक ही ट्रांसफार्मर को आपको अगर बदलना पड़ा है तो जरूर उसके अवश्य ही उसकी गुणवत्ता में कोई प्रॉब्लम है। और इस केस में क्या जिन कंपनियों से आप उन्हें प्रोक्योर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कोई कार्यवाही की गई है, किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है, ये मेरा सवाल है। और साथ ही साथ एक और सवाल अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करूंगी कि जनता बहुत आस के साथ यहां बैठी हुई है। समाजवादियों ने एक वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री करने का, सिंचाई बिजली फ्री करने का, आज 500 रुपए भी अगर बिल बकाया होता है तो आपका कनेक्शन जो है वो काट दिया जाता है। मैं बस आपसे ये अनुरोध करूंगी और पूछना भी चाहूंगी, क्या कोई ऐसी स्कीम आ रही है जिसके अंतर्गत हमारे प्रदेश के लोगों को आप इस प्रकार से लाभान्वित करेंगे? ट्रांसफार्मर्स के ऊपर बताइए। माननीय सदस्य ने बिजली काट देने की बात जो कही है उसमें भी मैं सभी माननीय सदस्यों को अपडेट करना चाहूंगा कि हमने इस समय सिर्फ बिजली के बकाए के चलते बिजली काटने का लिए के लिए हमने मना कर दिया है। और साथ ही हमने व्यवस्था ये किया है, आपने सुना होगा बीच में हमने एक अभियान चलाया था होम घुमाओ अभियान, उसमें हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि भाई साहब आपका, बहन जी आपका बिल आपके मोबाइल पे गया हुआ है, आपका बिल इतना आया हुआ, कृपा करके जमा कर दें। एक बार नहीं माननीय अध्यक्ष जी, फोन पर कई बार हम लोग कहते हैं। अभी हमने एक टेक्नोलॉजी आधारित एक और व्यवस्था ये किया है कि 7 बार हम SMS भेज रहे हैं, जैसे मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है और बार बार SMS आता है मोबाइल कंपनियों का, वही सिस्टम हमने KYC करके लाखों करोड़ों फोन नंबर इकट्ठा करके हमने मोबाइल फोन पे आपके SMS भेजने का और एक बिल के पीछे 7 SMS भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए अब बिजली का कनेक्शन काटने की नौबत पहले की अपेक्षा कम हुई है और उत्तरोत्तर एकदम इसको हम मिल करने की दिशा में आगे बढ़। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।